मिर्जापूर म्हटलं की आपल्याला आठवतं ते वेब सिरीज मधलं कालीन भैया हे पात्र. वेब सिरीज मधून उत्तर प्रदेशातलं मिर्जापूर हे चांगलंच गाजलं आणि चर्चेतही राहिलं. निवडणुकांच्या निमित्तानं आम्ही देखील मिर्जापूर मध्ये जाऊन कालीन भैयाचा शोध घेतला. पण आम्हाला कालीन भैया नाही तर कालीम भैया भेटलेत. काय आहे कालीम भैयांची स्टोरी पाहूयात एक स्पेशल रिपोर्ट. उत्तर प्रदेश निवडणुकांच्या निमित्तानं आम्ही मिर्जापूर गाठलं आणि इथल्या कालीन भैयाचा शोध घेतला. पण आम्हाला इथं कालीन भैया काही भेटले नाही, मात्र कालीन ऐवजी कालीम नावाची चर्चा इथं ऐकायला मिळाली आणि म्हणूनच आम्ही या कालीमचा शोध घेतला. कालीम व्यवसाय एकेकाळी मिर्झापूरची ओळख असलेला हा व्यवसाय, पण हा व्यवसाय आता बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. अब हमारे यहाँ आप देखेंगे जितने भी बेचारे बीनने वाले हैं लगभग हमारे एज के हैं. हम गए तो भी गए समझ लीजिए कि वो बच्चे उनके अब ना उनके बच्चे इस काम में आ रहे हैं ना हमारे बच्चे इस काम में आ रहे हैं. वजह क्या हो सकती है? वेजेस से है भाई. हाँ मतलब ये जो अब ये कि हम लोग उतना कीमत पाते ही नहीं तो कहाँ से लोग बनाएंगे या अपना पेड़ पर्दा कैसे बच्चे वो लोग चलाएंगे, तो हम कहाँ से उनके साथ दे पाएंगे कहाँ तक. कालीम व्यवसाय बंद होण्याची भीती व्यक्त करणारे हे आहेत शकील अहमद. कालीम म्हणजेच कार्पेट निर्मितीत ते गेल्या अनेक वर्षांपासून आहेत. एका धाग्यापासून कालीम निर्मितीपर्यंतचा प्रवास ते सहजपणे समजवून सांगतात. जो ये येलो कलर है ये येलो 5GN से बनता है. इसके कलर से सब नाम होते हैं. ये जो है बॉयल किया जाता है पानी के साथ. तो ये कलर डाल के ये एक्स्ट्रा इसमें और भी कलर पड़ते हैं. एक ही कलर से ये नहीं बता कई कलर इसका मिक्स होता है कि नहीं येलो डाल देंगे तो ये आ जाएगी सही नहीं. इसके साथ हम रेड भी डालते हैं. इसके साथ उसका परसेंटेज हम अपने हिसाब से करते हैं उसको. एक टपका देखा तार पकड़ा पड़ा पड़ा था. अच्छा इसको तार बोलते हैं? हाँ तार. कितने तार है अभी जो आप काम कर रहे हो? 200 तार पूरा यहाँ का. ये पूरे 200 है? हाँ. अरे 200 आपको याद है? हाँ. नक्शा है ना ये नक्शा देखिए. इसमें जो लाइन खींचा है तार लाइन ना दिखा रहा है लाइन ना. तो इसमें जो है टपका बना हुआ डिजाइन ये डिजाइन मतलब चलता है. ये तार है ये इसमें जो तार के हिसाब से गिनते हैं बॉक्स में ऐसे गिनते हैं. ये जो गिनते हैं ये हमारा जो 16 तार है इसमें. अच्छा अब इससे गिनते हैं दो एक एक दो दो तार करके एक एक दो कार करेंगे तो एक होगा वो तो 8 होगा. 16 तार है इसमें ऐसे गिनते हैं इसको. 800 तार आप गिनते हो? हाँ. सध्या बाजारात अनेक प्रकारचे कार्पेट आहेत. चायनीज मार्केटमुळे हा उद्योग मागे पडलाय. आपण हुबेहूब दिसणारे कार्पेट्स अगदी कमी किमतीत घेतो कारण ते बनावट असतात. मग खरं कार्पेट कसं ओळखायचं? मतलब एक बॅग नाही चलेगा. ये भी इसकी खूबी होती है. जैसे प्लास्टिक आप धराएंगे तो पूरा ससराक पकड़ लेता है लेकिन ये नहीं पकड़ता. लेकिन इसकी स्मेल आप उसमें तो नहीं दे पाएंगे लेकिन इसे आप महसूस करेंगे तो ये जिसे बाल जलता है ना उसकी स्मेल आती है वही चीज़ इसमें स्मेल आती है. लेकिन प्लास्टिक उसमें नहीं आएगी ये सब चीज़ें. हाँ ये बहुत है. और प्लास्टिक का जो है कलर उतर जाता है इसका नहीं उतर. आता जेव्हा केव्हा खरं कार्पेट खरेदी कराल तेव्हा असा प्रयोग नक्की करून पहा. पण जरा काळजी ना. डर लगता है अपने मिर्जापुर की पहचान थोड़ी सी कम हो रही है. जो पहचान थी मिर्जापुर की अब वो मिटने खत्म होने के कगार पे है ऐसा कुछ? अब डर के क्या बताएं. बहुत जो है सो है. अब अगर आदमी जब ना पड़ेगा तो आदमी चेंज कर देता है. बच्चे भी अपना मतलब ग्रेजुएशन करके अब वो भी रास्ता दूसरा ले रहे हैं. लेकिन अफसोस ये इस बात की है कि हमारे यहाँ का बिजनेस चला गया. हम लोग दूसरे पर निर्भर हो गए. ये अच्छा नहीं हुआ हमारे यहाँ. तर हे होते शकील जी ज्यांनी आपल्याला मिर्जापूरमधल्या कालीम व्यवसायाविषयीचे एकदम डिटेल पहिल्या धाग्यापासून कालीम तयार होईल ती कशी होते त्यात काय काय केलं जाते सगळी प्रोसेस त्यांनी आपल्याला समजून सांगितली आहे. कॅमेरामॅन विपुलराजसह मी शिशुपाल कदम, ABP माझा, मिर्जापूर, उत्तर प्रदेश. ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट.